नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की धरोहरों की व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पीली कोटे स्थित हॉल में किया गया, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरमौर विधायक दिवराज सिंह ने की। कार्यक्रम में काफी संख्या में जिले के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे, जिनके द्वारा विंध्य की ऐतिहासिक धरोहरों के संबंध में जानकारी दी गई। आइए आपको दिखाते हैं विंध्य धरोहर सप्ताह में आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं मुख्य अतिथियों ने आयोजित कार्यक्रम और धरोहरों के संबंध में क्या जानकारी दी है। राजस्थान, इसके जो पहले शासक थे व्यागराज, ये जो गुजरात के सोलंकी शासक थे, उनके सीधे संबंध थे, उनके ब्रदर लगा करते थे, और वहां से ये कालिंजर आए, और कालिंजर के बाद फिर 13वीं शताब्दी में जो रतनपुर के कच्छपी शासक थे, उनके साथ उनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और दहेज के रूप में बांधवगढ़ की नगरी प्राप्त हुई। तो ये जो है, ये जो रानी की वाव जिनका निर्माण करवाया गया, ये भी इन्हीं की वंश परंपरा के जो पूर्व शासक थे उनके द्वारा प्राप्त कराया गया। ये सूर्य मंदिर में कोणार्क दिशा, ये आपका हम्पी, जिन लोगों ने देखा होगा, ये भी सुप्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद ये राजस्थान के पहाड़ी के, ये भी सुंदरों की सूची में ऑर्गेनाइज किया है। उनकी ग्रेविटी क्या है? आप एक पुरातत्वविद हैं, और जबलपुर जो पूरा मंडल है उसके अधीक्षक पुरातत्वविद हैं। आपने केवल एक पोस्ट नहीं होल्ड की है, बल्कि स्वयं का इनिशिएटिव लेकर के देश के विभिन्न भागों में उत्खनन और हमारे इतिहास को खंगालने का कार्य किया है, जिसमें विशेष रूप से भाटापारा जो छत्तीसगढ़ में है, उसमें बालोद बाजार के पास डमरू उत्खनन के नाम से एक साइट है, जिसका आपने कार्य किया है। लेकिन आपको विशेष जो ख्याति मिली है, विशेष कार्य जिसके नाम से आप जाने जाते हैं, वो है कर्नाटक का क्षेत्र जो हासन जिले में है और जिसे हलेबीडु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी आपने 100 से अधिक शोध पत्र, आलेख, 35 से अधिक रिसर्च वर्क आपने लिखे हैं, उन्हें प्रकाशित किया है, अलग अलग जगहों पे जाके उन्हें प्रेजेंट किया है। आदरणीय कुशला सिंह जी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें उठाते हैं। मैंने तो जब बाइक जाकर सफारी का लोकार्पण किया था, जब स्थापना की थी, तो मैंने प्रयास ये कहा कि ये हमारा सफेद शेर सारी दुनिया में हमारे यहाँ नहीं है, इसका यदि अलग लगा के किसी ने पिछले 40 सालों से रखा है, 30 सालों से, तो उसका श्रेय दिया जाता है आदरणीय कुशला। और लगातार बात उठाते रहने से कभी ना कभी वो काम हो जाता है। तो महाराज बादल सिंह जी ने यदि व्हाइट टाइगर को पकड़ने के बाद उसकी बेटी के माध्यम से उनके वंश को बढ़ाया, और अमेरिका और लंदन के शासकों ने हाथ जोड़ के निवेदन करके उनसे व्हाइट टाइगर के कर्ज लिए, और उसको फिर उन्होंने अपने देशों में डेवलप किया। तो ये काम है, श्रद्धेय बादल सिंह जी ने किया था,